लालकुआ में एसपी ने बैठक के दौरान सभी पुलिस कर्मियों को साफ तौर पर कहा कि कोरोना संक्रमण की लहर को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के तहत दोपहर 12 बजे के बाद आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले न रहें। साथ ही उसके बाद सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू के दौरान पुलिस क्षेत्र में गश्त करे तथा मुख्य सड़कों पर चेकिंग कर अनावश्यक रूप से घूमने वाले व्यक्ति और वाहन चालकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि गाइडलाइन के तहत दी गई छूट के मद्देनजर किसी भी शख्स को अनावश्यक रूप से परेशान ना किया जाए। उन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे पहले लड़ाई कोरोना से है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जी जान से लगा हुआ है। साथ ही कहा कि पुलिस कोरोना के साथ साथ क्राइम पर भी नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अवैध कारोबार और क्राइम पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए समय समय पर चेकिंग अभियान चला रही है। अगर कोई वाहन ओवरलोड में पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कि जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कोरोना का जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, कोरोना का प्रसार काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, उसको लेके आज हमारे जो थाने के जितने साथी हैं उनसे वार्ता की गई, उनको अलर्ट रहने के लिए भी उनको बताया गया, किस तरह से खुद को बचाते हुए दूसरों को बचाना उसके लिए भी उनको प्रेरित किया गया। साथ ही साथ में आज जो दूसरा मेरा मकसद था यहाँ पर है कि जो पुराने कुछ जो केसेस जो अनवर्कआउट है या वर्कआउट होकर में जो तफ्तीश पेंडिंग चल रही है उसके विषय में प्रत्येक सब इंस्पेक्टर से थोड़ी बहुत बात की गई, ताकि जो हमारे जो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है उसका यथाशीघ्र निस्तारण हो सके। लालकुआ से धर्मेंद्र आर्या, न्यूज़ वाले इंडिया।